जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है, एलजी मनोज सिन्हा ने एक और फैसला लिया है। ये फैसला तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन सिर्फ पुरुष जो हैं वो इस दायरे के अंदर आएंगे। दरअसल महिलाएं जो हैं इस फैसले का लाभ पहले से ही ले रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अब एलजी मनोज सिन्हा ने ये फैसला जो लिया है, ये तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जितने सरकारी कर्मचारी हैं जो पुरुष हैं उनके लिए ये फायदा जो है वो देगा। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी सिंगल पुरुष कर्मी हैं यानी कि जो अकेले पिता हैं उनके बच्चों की देखभाल के लिए भी अब सरकारी महिलाएं जो महिला कर्मचारी जिनको छुट्टी जो मिलती थी उन्हीं की तरह जो है अब उन्हें भी जो है अवकाश वो है ले सकेंगे। यानी कि जो सिंगल पेरेंट हैं जो मेल हैं वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए अब उन्हें भी जो है वो छुट्टी मिलेगी। ये प्रावधान जो है ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देने जा रही है। अब उन्हें भी चाइल्ड केयर लीव जो है वो दी जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के पुरुष कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा दिया है। सिंगल पुरुष कर्मी का मतलब है अविवाहित पुरुष विदुर कर्मी या फिर तलाकशुदा कर्मी जो रहेंगे जिसके बच्चे की देखभाल भी जरूरत है और उन्हें जो है ये अवकाश जो है वो दिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की बात करूं तो जम्मू कश्मीर सिविल सेवा अवकाश नियम जो है 1979 में संशोधन करने के लिए आदेश जो है वो दे दिए गए हैं और संशोधन के तहत महिला कर्मियों को ही नहीं बल्कि अब सिंगल पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव का फायदा जो है वो मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत चाइल्ड केयर लीव लेकर महिला कर्मचारी व सिंगल पुरुष कर्मचारी को अवकाश पर जाने के लिए पहले 365 दिनों का 100% वेतन मिलेगा। इसके बाद अगले 365 दिनों के लिए वेतन का 80% मिलेगा। इसके साथ ही एक समय में चाइल्ड केयर लीव 5 दिन से कम समय के लिए मंजूर नहीं की जा सकती। वहीं एक वित्त वर्ष में सिंगल महिला कर्मी अकेली माँ को 3 बार लिए जाने वाले अवकाश को बढ़ाकर 6 बार किया गया है। यानी एक वित्तीय वर्ष यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में 6 चाइल्ड केयर लीव ली जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले में उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें अकेले रहते हैं और उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने का समय नहीं मिल पाता। अब तक चाइल्ड केयर लीव लेने की सुविधाएं सिर्फ महिला कर्मचारी जो थे उन्हें ही मिलती थी। अब ये फायदा जो है सिंगल पेरेंट चाइल्ड जो पुरुष हैं जो फादर हैं वो भी ले सकेंगे। कई केसेस में ऐसा कहता है कि जिनकी माता नहीं रहती सिंगल पेरेंट रहते हैं और वो अपने बच्चों की देखभाल करना उनके लिए कितना मुश्किल रहता है। अब उन्हें भी सरकार ने प्रावधान दे दिया है कि वो भी महिलाओं की तरह जो है वो छुट्टी जो है वो ले सकेंगे। जिस तरह महिलाएं जो हैं एक साल में 6 बार जो है वो चाइल्ड केयर लीव जो है वो ले सकती हैं, अब पुरुष जो है वो भी ले पाएंगे। यानी कि ये प्रावधान अब तमाम सरकारी कर्मचारी जो या तो डाइवोर्सी हैं जिनके साथ बच्चे रहते हैं जिनके साथ माताएं जो हैं वो नहीं रहती हैं जो सिंगल पेरेंट हैं जो पुरुष की कैटेगरी में आते हैं उन सभी को भी ये बेनिफिट जो है अब दिया जाएगा। सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी है और ये अटल डल्लू जी जो हैं हमारे उन्होंने जो है ये प्रावधान जो है इस ऑर्डर को निकाल दिया है और तमाम डिपार्टमेंट को कॉपीज जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई हैं। इसका बेनिफिट पहले सिर्फ महिलाओं को मिलता था, अब पुरुष जो है वो भी इसका लाभ जो है उठा पाएंगे। सरकार के इस फैसले को इस संशोधन को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आप भी सिंगल पेरेंट हैं पुरुष हैं आप काम कर रहे हैं और आपको ये फायदा नहीं मिलता था, अब इस फायदा मिलने से आप कैसे देखते हैं कि आपके बच्चों को जो है उनकी बेटरमेंट उनके फ्यूचर के लिए ये हेल्पफुल रहेगा? आप लोग वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी सरकारी कर्मचारियों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अब आपको